दिस इज़ द कार्गो कंट्रोल रूम फ्रॉम वेयर वी कंट्रोल द कार्गो. यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, एज़ यू कैन सी दिस इज़ द पैनल. ओके, इस पैनल में आपके सारी चीज़ जो भी जहाज़ पे है वो दिखाता है. बैलेस्ट टैंक्स, कार्गो टैंक्स, मैनिफोल्ड डायग्राम, यहाँ से आपका कौन सा वाल्व ओपन है, कौन सा वाल्व शट पोजीशन में है. जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये मैनिफोल्ड डायग्राम है मेरा, इसमें सब कुछ रेड हो रहा है. सो रेड मतलब मेरे सारे वाल्व्स क्लोज है. जब भी मेरा कोई वाल्व ओपन होगा वो ग्रीन पोजीशन में दिखाएगा. यहीं पे मैं चेंज कर सकता हूँ इसे कार्गो टैंक्स पे. अब मैंने इसे चेंज किया कार्गो टैंक्स पे. जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पे एक 4 पोर्ट कार्गो टैंक है. स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ये इसका टॉप टेम्परेचर दिखा रहा है, ये इसका मिडिल टेम्परेचर दिखा रहा है, ये इसका बॉटम टेम्परेचर दिखा रहा है. यहाँ पे पंप कितने पे चल रहा है, यहाँ पे पंप का प्रेशर दिखा रहा है, पंप कितने पे रन कर रहा है. यहाँ पे टैंक की अभी आपको साउंडिंग दिखा रहा है. बेसिकली अभी 16.13 दिखा रहा है क्योंकि मेरे टैंक्स जो हैं एम्प्टी हैं, वी आर इन बैलेंस कंडीशन. बट जब अभी यहाँ पे आपका लोडिंग स्टार्ट होगा तो इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. यहाँ पे आपका मेट्रिक क्यूब दिखा रहा है, कार्गो कितना मेट्रिक क्यूब आ गया है. यहाँ मेट्रिक टन्स दिखा रहा है और ये नीचे दिखाता है कितना रेट से आपका कार्गो आ रहा है. ये ऊपर आप देख सकते हैं 82.5 m bar, ये अभी कार्गो टैंक का प्रेशर दिखा रहा है. एक पार्ट हो गया ये कार्गो टैंक. इसी स्क्रीन पे आप सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं जो आपके डेक पे एक्टिविटी चल रही है, लोडिंग चल रही है, डिस्चार्जिंग चल रही है. जैसे अभी हमें बैलेस्ट टैंक्स में बैलेस्ट लेना है या डी बैलेस्टिंग करना है तो यहीं से हम इसे चेंज कर देंगे बैलेस्ट सिस्टम पे. जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये टिपिकली, अगर मैं इस वाले का एग्जाम्पल लूँ, ये मेरा 1 पोर्ट बैलेंस टैंक है. ये ग्रीन पार्ट दिखा रहा है कि यहाँ तक ये फिल्ड है. ये इसका साउंडिंग दिखा रहा है 15.67.3 cm, इसका साउंडिंग है. तो 1 का जैसे हमें बैलेस्ट वाल्व खोलना है, यहाँ से बैलेस्ट खोलेंगे, यहाँ से ये बैलेस्ट लाइन आई और यहाँ से ये ओपन किया और यहाँ से ये हमारा सी चेस्ट. सब वाल्व यहीं से ही हम ओपन कर सकते हैं और यहीं से ही आप देख सकते हैं बैलेस्ट पम्प पोर्ट, बैलेस्ट पम्प स्टारबोर्ड. सो बेसिकली एज यू कैन सी ऑन टॉप ये यहाँ पे सब कुछ बता रहा है. जैसे कार्गो टैंक 1 to 4, कार्गो टैंक 5 to 6, मैनिफोल्ड डायग्राम, कार्गो का लेवल, ये देखिए टैंक 1, टैंक 2, टैंक 3 सब अभी एम्प्टी है तो इसलिए एम्प्टी दिखा रहा है. उसके बाद बैलेस्ट का लेवल्स, उसके बाद ये आपका यहाँ पे फ्यूल लेवल दिखाता है कि जहाज़ पे भी कितना फ्यूल है. जैसा कि आप देख सकते हैं फ्यूल ऑयल बंकर टैंक, इसका ये साउंडिंग है, ये क्यूबिक मीटर्स है, ये मेट्रिक टन्स है और ये HFO, MDO, MDO स्टोरेज टैंक सब दिखा रहा है. उसके बाद ये यहाँ पे बैलेस्ट सिस्टम दिखा रहा है अगर हमें बैलेस्टिंग डी बैलेस्टिंग करनी है तो. तो ये सारा आप देख सकते हैं पूरा, ये एक पैनल है जो कार्गो, बैलेस्ट, बंकर्स, आपका फ्रेश वाटर कितना है. आगे मूव करते हैं. अब आ जाता है ये हमें एक VHF दिया हुआ होता है CCR में. किस लिए दिया होता है कि जब हम टर्मिनल्स पे जाते हैं तो हम यहीं से इसको स्विच ऑन करके टर्मिनल से कॉन्टैक्ट कर सकें कि टर्मिनल हमें बोले कि भाई हम चैनल 15 पे हैं, वह चैनल 10 पे हैं, 72 पे हैं. हम अपने VHF को ट्यून करेंगे और हम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स आपका ये विंड स्पीड इंडिकेटर है. ये यहाँ पे आपका विंड दिखाता है ताकि हमें बार बार ऊपर ना जाना पड़े इन केस अगर हमें विंड स्पीड चेक करनी है. ये बेसिकली क्यों दिया हुआ होता है, सर्टेन पोर्ट्स पे क्या स्टैंडर्ड रेगुलेशन है, अगर किसी पोर्ट पे 25 नॉट्स विंड हो गया तो हम कार्गो स्टॉप कर देंगे, 30 नॉट्स विंड हो गया तो हम होज डिस्कनेक्ट कर देंगे और 35 नॉट्स विंड हो गया तो हम जहाज को अनबर्थ कर देंगे. स्टैंडर्ड है ऑलमोस्ट, मतलब 90% सब जगह सेम ही है. देन कम्स दिस इज़ योर फ्रेमो एरिया. यहाँ से हमारे पंप स्टार्ट होते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं ये नंबर 1 स्टारबोर्ड 1 पोर्ट पंप, 2 स्टारबोर्ड 2 पोर्ट पंप. पहले स्टार्ट करेंगे ऐसे, ये यहाँ पे ग्रीन लाइट जल जाएगी और इस लीवर को हम आगे शिफ्ट कर देंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 100, 200 कितने पे भी पंप चल रहा है ये ग्रीन लाइट वहाँ तक चली जाएगी. अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ, जैसे अगर मैं आगे बढ़ाऊँगा
तो यहाँ से पंप हमारे स्टार्ट होंगे। यहाँ पे हमारा सिस्टम प्रेशर दिखाता है कि हम कितना सिस्टम प्रेशर रखेंगे फ्रेमों का। ये हमारा यहाँ पे एक इमरजेंसी स्टॉप दिया हुआ होता है कि इन केस अगर हम इमरजेंसी हो, ये इमरजेंसी स्टॉप दबा दें। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ फ्रेमो कार्गो पंपिंग सिस्टम, पूरा ये सिस्टम दिया हुआ होता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे आईजी पैनल। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे टैंक्स में कितना आईजी आ रहा है, इन केस अगर हम आईजी डिलीवर कर रहे हैं डेक पे। ये एक आईजी ग्राफ होता है, यहाँ पे भी हमें ये ऑक्सीजन कंटेंट और हमारा आईजी का प्रेशर बताता है। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आईजी का प्रेशर दिखा रहा है। हमारा सिर्फ काम इतना होता है कि हम सिर्फ आईजी का प्रेशर मॉनिटर करते हैं। आईजी इंजन रूम वाले चलाते हैं, हमें सिर्फ यहाँ से डिलीवरी दे देते हैं। और हमें सिर्फ ये यहाँ पे डिलीवरी वॉल्व, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिलीवरी स्टार्ट करनी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें सिर्फ डिलीवरी स्टार्ट करनी होती है जब हम इंजन रूम से आईजी का डिलीवरी ले लेते हैं। तो ये जैसे ही डिलीवरी स्टार्ट होगी, यहाँ पे ये डिलीवरी वॉल्व जो होगा, यहाँ पे ऐसे ये लाइन, यहाँ पे ऐसे लाइट खुल जाएगी। तो इसका मतलब हमारे डेक पे डिलीवरी आ गई है। दिस इज़ ऑल आई एम टेलिंग यू द प्रोसीजर इन कार्गो कंट्रोल रूम। बाहर जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है कि इसको डिलीवरी खोलने से पहले हम आइसोलेशन वॉल्व खोलेंगे वगैरह वगैरह, वो सब बाहर का प्रोसीजर है। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ व्हाट अ ड्यूटी ऑफिसर डू व्हेन ही इज़ इन कार्गो कंट्रोल रूम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, दिस इज़ द टैंक ओवरफिल एंड हाई लेवल अलार्म पैनल। दिस इज़ हाई लेवल अलार्म इंडिविजुअल ईच टैंक, वन पोर्ट वन स्टारबोर्ड, टू पोर्ट टू स्टारबोर्ड, थ्री पोर्ट थ्री स्टारबोर्ड। ये 95% हमारे हाई लेवल अलार्म है। इसके ऊपर आ जाते हैं हमारे 98% टैंक ओवरफिल अलार्म। अगर किसी भी टैंक का, जैसे आप देख सकते हैं, वन पोर्ट वन स्टारबोर्ड, टू पोर्ट टू स्टारबोर्ड, थ्री पोर्ट थ्री स्टारबोर्ड, और यहाँ पे मेंशन भी है 98%। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सेप्ट फ्लैश और एक्सेप्ट हॉर्न, दो ऑप्शन आते हैं। जब आपका अलार्म आएगा तो यहाँ पे आपको हॉर्न आएगा, एक साउंड आएगा, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट हॉर्न। दैट मीन्स यहाँ पे जो साइड में ये लाइट है, यहाँ पे एक रेड लाइट जल जाएगी कि इसका मतलब आपका टैंक अभी 98% पहुँच गया है, आप उसे स्टॉप कर दें। क्योंकि कोई भी प्रिफर नहीं करता 98 से ऊपर लोड करना। रेयर केस, बहुत रेयर केस में कभी कभार 98 से ऊपर लोड करते हैं, बट मैंने तो आज तक अपने सी लाइफ में बहुत मुश्किलों से देखा है 98.2 मैक्स। सो दिस इज़ हमारा ओवरफिल अलार्म कि हमारे जो टैंक्स में हम कार्गो लोड कर रहे हैं, जब वो लेवल भरने लगता है तो यहाँ पे एक अलार्म आ जाएगा। सो दिस इज़ डन, दिस इज़ माय कार टैंक ओवरफिल अलार्म। ये एक डेजिग्नेटेड मेरा पीसी दिया हुआ है इधर, दिस इज़ माय लोडिकेटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लोडिकेटर आपको सब चीज़ कैलकुलेट करके बताता है, जैसे हमारा अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है, ड्राफ्ट कितना है, और ड्राफ्ट एट फॉरवर्ड परपेंडिकुलर कितना है, ट्रिम कितनी है, लिस्ट कितनी है, ये सब आपको कैलकुलेट करके बताएगा। ये आपका वॉइस कंडीशन, यहाँ पे टैंक्स डालिए, यहाँ पे आप अपने टैंक्स का इंफॉर्मेशन डालिए, वेट डालिए, यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हैं, ज़ीरो कर दिया, 100 कर दिया, और उसी हिसाब से आपका ड्राफ्ट कैलकुलेट कर देगा। ये देखिए, जैसे अभी अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ये हमारा ड्राफ्ट आ गया। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल व्हाट आई एम शोइंग यू। दिस सेक्शन हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो ये हमारे यहाँ पे गैस इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। ये हमारे गैस इक्विपमेंट सेक्शन है, ये इनके चार्जर्स हैं, यहाँ पे चार्ज हो रहे हैं हमारे गैस इक्विपमेंट। सो बेसिकली दिस ऑल थिंग्स वी हैव इन कार्गो कंट्रोल रूम। कार्गो कंट्रोल रूम, द वर्ड ओनली सेज कार्गो को कंट्रोल करने वाला रूम, तो हम यहाँ से कार्गो को कंट्रोल करते हैं। सो आई होप, मैं भी ये दुआ करता हूँ आप जल्दी से एक अच्छे सक्सेसफुल ऑफिसर बने, ताकि आप भी इस जगह खड़े होके अपने कार्गो को कंट्रोल कर सकें। सो बाय नाउ यू मस्ट हैव लाइक्ड माय वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल सेलर सैयद। थैंक यू।